अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मंजूर अहमद, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी। वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर वीडियो। इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू वेदर यू चूज सेल्फ स्टडी और एकेडमी फॉर एमडीकेट प्रिपरेशन। वेल, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है सेल्फ स्टडी में। मैंने कोई कोचिंग, कोई एकेडमी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास कुछ रीजंस थे सेल्फ स्टडी को चूज़ करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आपके जितने भी स्ट्रगल है आप लोगों का, आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी चूज़ कर सकते हो या जो एकेडमी है। वेल, जो मेरा फर्स्ट रीज़न है वो है मेरा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का अगर इस्तलाही मैनी में आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों का इरादा इतना पुख्ता और इतना पक्का होना चाहिए कि जो चीज़ आप सिलेक्ट कर लेते हो उस किसी हद तक आपको इसके लिए कुर्बानी देना पड़े, आप इससे दरेग नहीं करोगे। चाहे जितने भी अर्डल्स, जितने भी मुश्किलात आपके सामने हो, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है तैयारी का, जो सेल्फ स्टडी का, इसमें क्योंकि बहुत सारे मुश्किलात स्पेशली मुझे भी हुए थे, इसमें आप लोगों ने पीछे नहीं हटना है, इतना मोटिवेटेड रहना है आप लोगों ने पहले से, आपने क्योंकि डिटरमाइंड होना है इस चीज़ के लिए कि यार किसी हद तक भी ये चीज़ लास्ट तक, जो लास्ट बेल है जो एग्ज़ाम टेस्ट का, उस तक आपने चलना है, उस तक आपने मोटिवेटेड रहना है। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है, आप नहीं कर पाते, तो फिर यू कैन गो फॉर अकेडमी। ओके, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, आपको टीचर्स भी मिलेंगे, मेंटर्स भी मिलेंगे, बाकियों का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। आप सेल्फ स्टडी पर नहीं कर पाओगे क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको अपने आप को कैरी ऑन रखना होता है पहले से। अगर आप डिटरमाइंड होंगे ये चीज़ कर पाओगे, अगर ना बीच में ही 15 दिन 10 दिन स्टडी करके आप छोड़ देंगे। अब इसके बाद मेरे पास जो मेरा सेकंड रीज़न था सेल्फ स्टडी चूज़ करने का, वो था बेसिक नॉलेज। ओके, आप जिस साइंस सब्जेक्ट में टेस्ट में अपीयर होंगे उनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज से FSC कर लेते हो, आपको वहाँ पढ़ाया जाते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। अगर अब मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मैं जिस कॉलेज से जो FSC किया अपना, वहाँ पे मैंने अपने बेसिक जितने भी नॉलेज था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो सब क्लियर कर चुका था। मुझे जस्ट सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि जो MDKH का टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, आई थिंक 2 to 3 months होते हैं, जिसमें आपको इस सारे से जो कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके जो बेसिक्स है, बेसिक नॉलेज है साइंस सब्जेक्ट्स को लेके, वो क्लियर नहीं है, आपने जो अपना FSC है वो जस्ट पासिंग मार्क्स लेके पास किया या ऐसे पासिंग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा है, तो आप इवन आपको एक गैप ईयर लेना पड़े, आप सेल्फ स्टडी के लिए नहीं जाए। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाते हो, आपको कुछ भी पता नहीं होगा साइंस सब्जेक्ट, कोई कॉन्सेप्ट भी आपका बना हुआ नहीं, और 2 to 3 months में आप कुछ नहीं कर पाओगे। वेल, इस यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एकेडमी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको शॉर्टली जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, वो सब आपको 1-2 months में ही क्लियर कराएंगे। अगर आपके 1-2 months में नहीं हो पाते, आपका इतना बेसिक ख़राब है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपको एक गैप ईयर लेना पड़े भी कोई मसला नहीं, इसमें आप नेक्स्ट ईयर ये अपीयर हो जाए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स पे आपका ग्रिप बहुत लाजमी है। अगर आपके जो बेसिक्स है वो सही है, आपने सही से अपना कॉलेज से जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर चुके हैं, तो फिर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाए। अगर आपके 1-2 topic आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जिस पे हमारा एक वीडियो भी है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया वो कौन कौन से, आप भी यूज़ करके इसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
और हमारे पास जो नेक्स्ट जो रीज़न था कि मैंने सेल्फ स्टडी क्यों प्रीफर किया वो था टाइम, या जो एमडीकेट के प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, जैसे कि मैंने बताया 2 to 3 months। इसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, बेसिक नॉलेज है वो क्लियर है, तो आप इस दौरान एकेडमी ज्वाइन करोगे, तो फिर जो एकेडमी है वो आपको बेसिक्स पढ़ाते बढ़ाते आपका आई थिंक 1.5 month तो ले जाएंगे इस चीज़ में, जो कि आप सेल्फ स्टडी में करके इसको एक प्रॉपर रिवीजन दे सकते हो और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, अपने जितने भी वीक पॉइंट्स है उन पे आप काम कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे पास जो नेक्स्ट रीज़न था मेरा सेल्फ स्टडी चूज करने का वो है प्रॉपर रिवीजन एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ओके, एक प्रॉपर रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपका रिवीजन कम से कम 3 से 4, इससे ज़्यादा जितना भी हो वेल एंड गुड, 3 से 4 बार आपने पूरा अपना सिलेबस रिवाइज नहीं किया है, बहुत ही मुश्किल से आपको एग्जाम हॉल में चीज़ें याद हो जाए, और आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए है प्रॉपर, जितने भी आपके टॉपिक से सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड एमसीक्यू सही से प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको उधर जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में जो सही ऑप्शन है वो भी गलत करके आ जाएंगे इसी कंफ्यूजन में कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है या हो सकता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ट्रिकी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जो कि आप को इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किया है आपने, आपके लिए एमसीक्यूज को करेक्ट ऑप्शन चूज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है करेक्शन ऑफ वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स हम उसे कहते हैं कि आपने पूरा सिलेबस क्लियर किया हो और आप उस पे जब एमसीक्यूज लगाते हो या कोई भी एफएलपी लगा लेते हो, तो फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो या फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक में, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके इतने एमसीक्यूज गलत आ रहे हैं, फिर आपको ये क्लच करना होगा कि कहाँ पे जो एमसीक्यूज मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, फिर स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के अंदर, उस चैप्टर में जाके उस चैप्टर को आपने अगेन से उसके कॉन्सेप्ट बनाने हैं, उसके लिए अगर नोट्स बनाने पड़े, अगर आप नॉर्मली बनाते हो तो फिर आप नोट्स बना के उसको क्लियर कर ले और उसको रिवाइज भी कर ले। इसी कहती है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को क्लच करो और उसमें उसको करेक्ट कर लो, क्योंकि जब ये चीज़ आप छोड़ दोगे, जितने भी एमसीक्यूज आप कर रहे हो, एफएलपीस लगा रहे हो, आपका रिजल्ट आप देख रहे हो और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टॉपिक्स में आपके एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ इग्नोर कर रहे हो, तो फिर ये एग्ज़ाम हॉल में आप इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। आपने एक नोटबुक लेके जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन सब को उधर नोट करके उन पे काम करना है, ये आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छा बनाएगा इंशाल्लाह। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो रीज़न था मेरे पास कि मैं एकेडमी चूज करो या सेल्फ स्टडी, वो था मेरा रूटीन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। स्पेशली मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करूँ, मैं हमेशा अपने ही हिसाब से स्टडी किया है मैंने, वाइदर मैं स्कूल में रहा हूँ या कॉलेज में रहा हूँ। जैसे ही मैं कॉलेज से फारिग हुआ तो फिर तो मेरा रूटीन था वो ये था कि मैं सुबह 4-5 बजे उठ के अपना नमाज, फजर नमाज पढ़ के इसके बाद स्टडी पे लग जाता 1-2 बजे तक, क्योंकि ये जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टाइम था, अगर ये टाइम मैं एकेडमी पे लगा लेता फिर जो मेरे पास टाइम बच जाता, जो रात का टाइम था या शाम का टाइम था, इस पे मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकता था। मेरा जो एफिशिएंट टाइम था वो सुबह का टाइम था, ये मैं लूज़ नहीं करना चाहता था, और इसने ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया मेरे प्रिपरेशन के दौरान।
और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनका रूटीन ऐसे रखा हुआ है कि वो सिर्फ रात को ही पढ़ सकते हैं, दिन को वो सोते रहते हैं, जिनको नाइट वॉल भी कहा जाता है। जो जिनका एफिशिएंसी है वो रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपना तैयारी उसी टाइम सही से कर पाते हैं। अगर इनका ये लोग एकेडमी ज्वाइन करेंगे, एक्सी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, तो फिर इनका ये रूटीन है ये बिगड़ जाएगा। फिर इनका जो एफिशिएंट टाइम है वो सोने में गुजार देंगे, और जिस टाइम वो स्टडी नहीं कर पाते वो इस टाइम स्टडी करने पे मजबूर हो जाते हैं, और ये चीज़ उनके जो प्रिपरेशन है ये उसमें रुकावट डालेगा और उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बहुत कम करेगा। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।